रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का द फन दे हैड चैप्टर नंबर 2 का फुल समरी देखेंगे। इस चैप्टर में दो बच्चे हैं जिनका नाम टॉमी और मार्गी है। टॉमी और मार्गी दोनों भाई बहन रहते हैं। टॉमी और मार्गी को एक बुक मिलता है और बुक को कहते हैं कि वो रियल बुक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म रियल बुक लिखा हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि ये लोग कभी वाकई में जीवन में किताब नहीं देखे थे। इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि ये जो कहानी है वो कई दशक आगे की बात बता रही है, क्योंकि जिस दिन रियल बुक मिला होता है मार्गी को, मार्गी अपने डायरी में वो मेंशन करती है डेट डाल के 17 मई 2157। चूंकि जो बुक रहता है बहुत ओल्ड रहता है, मार्गी के ग्रैंडफादर बहुत पहले बताए थे कि जब लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना तो जितनी भी कहानियां होती थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। जो पेज होता था उस बुक का वो लोग टर्न करते थे और उसके बाद उस पे सारी कहानियां लिखित रहती थी, उसको पढ़ते थे। क्योंकि ये जो वर्ड्स इस पे थे, जो रियल बुक मिला हुआ है वो थोड़ा सा पीला पड़ चुका है जैसे पुराने बुक। अभी हम लोगों ने बात किया, इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। अब दादाजी की है तो भाई पुरानी तो होगी। ये मार्गी और टॉमी एक चीज़ को लेके बड़े कन्फ्यूज हैं कि आखिर में ये जो इसके पेजेस हैं येलो हो चुके हैं और इस पे जो वर्ड्स हैं वो एकदम वैसे ही स्टिल हैं, मतलब हिलडुल नहीं रहे हैं। जैसे कंडीशन ये होता है कि वो लोग पढ़ाई किए होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में बच्चों के पास बुक की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, वो लोग कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे और बुक के बारे में कोई भी चीज़ नहीं जान रहे होंगे। तो इसलिए जो मार्गी और टॉमी होते हैं ये थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं कि इस पे जो वर्ड्स हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कंप्यूटर पे हिलते हैं वैसे इस पे नहीं हिल रहे हैं। मार्गी और टॉमी बचपन से एक ही चीज़ जानते थे, वो था टेली बुक, क्योंकि टेली बुक के माध्यम से ही वो पढ़ा करते थे। क्योंकि एक बड़ा सा टेलीविज़न स्क्रीन था और उस पे बहुत सारे बुक्स उन लोग को दिखाई दे देते थे। क्योंकि जब ये बुक उन्हें मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मार्गी जो रहती है 11 साल की रहती है, टॉमी जो रहता है 13 ईयर्स का हो रहता है। वो पूछती है, कौन, मार्गी किससे पूछती है, टॉमी से, कि कहाँ से उसको ये बुक मिला। वो रिप्लाई करता है कि घर में ही कहीं रखा हुआ था, उसे मिल गया। वो पूछती है कि आखिर में इस किताब में किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। जब ये क्वेश्चन मार्गी करती है तो टॉमी रिप्लाई करता है कि इट वॉज ऑल अबाउट स्कूल। अब भाई स्कूल की बात बताई जा रही है, इसका मतलब ये भी क्लियर हो रहा है कि आने वाले समय में स्कूल का नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि स्कूल, टॉमी से कहती है एक बात बताओ कि आखिर में स्कूल के बारे में ऐसा है ही क्या लिखने लायक। उसको नफरत हो गई थी स्कूल से। भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में मार्गी जो थी वो स्कूल को हेट क्यों कर रही थी, जब भी उसको पढ़ाई करना था। चूंकि पढ़ाई करने का सेंस ये था कि उसके घर में ही एक रूम ऐसा बना हुआ था जो कि उसका स्कूल था, और उसके मैकेनिकल टीचर आते थे, वो उसको पढ़ाते थे और इतना टेस्ट लेते थे कि वो टेस्ट की वजह से परेशान हो गई थी, और स्पेशली इन ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते थे। और कंडीशन ये भी हो गया था कि ज्योग्राफी में मार्गी बहुत बद से बदतर उसका कंडीशन हो गया था, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब अच्छा नहीं कर पा रही थी, अब यहाँ पे मन में डाउट होगा कि अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है। पता चलता है कि जो ये मैकेनिकल टीचर है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। तो उसकी माँ जो रहती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब भाई काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ये इंस्पेक्टर और कोई नहीं है, इंस्पेक्शन करने वाला एक तरह से कह सकते हैं मैकेनिक है। वो राउंड लिटिल मैन रहता है और उसका जो चेहरा रहता है लाल रहता है, उसके हाथ में क्या रहता है, जो टूल बॉक्स होता है वो रहता है, है ना, डायल्स भी रहता है और वायर्स भी रहता है। वो मार्गी की तरफ स्माइल करके देखता है ना, स्माइल करके मार्गी को देखता है और उसको एक एप्पल दे देता है। काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर रहता है, जो टेलीविज़न टीचर रहता है, उसको अपने साथ लेके चला जाता है। और मार्गी के मन में एक ही बात चलता रहता है कि काश ऐसा हो जाता कि उसको इस मैकेनिकल टीचर के बारे में कुछ पता नहीं होता और इसको वो सही ना कर पाता। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर वन आवर वो क्या करता है कि उसको फिर से सामने लेके आता है। जो काउंटी इंस्पेक्टर रहता है वो मैकेनिकल टीचर को सामने लेके आता है मार्गी के, और फिर उसके सामने बड़ा सा स्क्रीन हो जाता है और उसके बाद
लेसन्स जितने भी होते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना पढ़ाना होता है, मार्गी को स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। जो काउंट इंस्पेक्टर रहता है मार्गी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, उसके सर पे थपथपाता है और वो मार्गी के मदर से कहता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था ना वो थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, है ना, थोड़ा सा वो फास्ट हो गया था और उसको उसने क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है उसके लेवल तक। किसके लेवल तक? मार्गी के लेवल तक। और वैसे ही कुछ दिनों बाद क्या हुआ था कि टॉमी का भी हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड हो गया था, है ना। अब उसके बाद कंडीशन ये होता है कि मार्गी के मन में ये सवाल चल रहा होता है कि आखिर में स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा, और यही बात वो टॉमी से पूछ देती है कि आखिर में कोई भी व्यक्ति हो वो स्कूल के बारे में क्या ही लिख सकता है। क्योंकि उस समय स्कूल के बारे में बस उसे ये पता था कि एक घर है, घर में एक रूम है जो कि स्कूल के नाम से जाना जा रहा है और वहीं पर ये मैकेनिकल टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है और जो भी काम वाम है वहीं पे दे रहा है, ख़त्म कर रहा है, और इसके अलावा कोई विद्यालय है ही नहीं। उसको आइडिया ही नहीं होता है कि विद्यालय का मतलब क्या है, स्कूल का मतलब क्या है। उसे तो लगता है कि एक स्कूल मतलब रूम, और रूम के बारे में कोई क्या लिख सकता है। टॉमी टेल्स मार्गी अबाउट द ओल्ड स्कूल। जो टॉमी रहता है मार्गी को बताता है जिस स्कूल की बात इस बुक में बताई जा रही है वो आज से 100 साल पहले के जो ओल्ड स्कूल्स होते थे उसके बारे में बताया गया है। अब बेचारी मार्गी तो उसके बाद हर्ट हो जाती है, कहती है कि मुझे इन सब स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता। बुक के अंदर लिखा हुआ था उसी चीज़ को टॉमी बताता है कि अगर तुम सोच रही हो, कह रही हो कि टीचर कैसे थे या कैसे होंगे, तो तुमको मैं बता दूं कि वहाँ पे रेगुलर टीचर नहीं थे, जैसे कि यहाँ पे जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वैसे वहाँ पे टीचर नहीं थे। वहाँ पे जो टीचर थे वो ह्यूमन थे, मैन थे, ठीक ना, रोबोट नहीं पढ़ाने आते थे। द टीचर टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव होमवर्क। जो टीचर वहाँ पे हुआ करते थे ह्यूमन बींग्स, वो लड़के और लड़कियों को सब कुछ, सबको सारी चीज़ें बताया करते थे, होमवर्क भी देते थे, चेक भी करते थे, बच्चे उनसे वार्तालाप करते थे, है ना, और जो टीचर हुआ करते थे बच्चों से क्वेश्चन भी पूछा करते थे। तब तक मार्गी बीच में बोल उठती है, कहती है कि हाँ, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बींग इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन टॉमी कहता है कि बेटा ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये गलत है। उस समय के लोग, उस समय के टीचर स्मार्ट थे। मार्गी कहती है कि वो कोई भी स्ट्रेंज इंसान को अपने घर में आश्रय नहीं देगी, जैसे कि उसका जो मैकेनिकल टीचर घर में दिनों रात रहता है उस तरीके से। टॉमी जो है वो बताता है कि बेटा देखो, एक चीज समझ लो, उस समय के जो टीचर हुआ करते थे ना वो घर में नहीं रहा करते थे, जैसे यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है, है ना, उन लोग की एक बिल्डिंग होती थी, जो बच्चे होते थे जितने भी पढ़ने वाले सब उस बिल्डिंग में जाया करते थे और एक ही चीज़ वो लोग पढ़ा करते थे। और वो बच्चे भी ऐसा नहीं थे कि बड़े छोटे ऐसे नहीं, अगर किसी एक क्लास में बच्चे हैं तो वो सेम एज ग्रुप के होंगे, दूसरे क्लास में बच्चे हैं तो वो दूसरे एज ग्रुप के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्गीज स्कूल टाइम। मार्गी के स्कूल का टाइम हो जाता है, जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके क्लास लेने का टाइम हो जाता है, और मार्गी की मदर मिसेस जॉन जो रहती हैं उसको बोलती हैं कि अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। और उस टाइम मार्गी जो रहती है वो टॉमी से कहती है कि क्या तुम ये बुक उस टाइम भी पढ़ोगे जब अपना क्लास ख़त्म करके आओगे। तो उस बुक को अपने बाहों में दबाए हुए लेके टॉमी वहाँ से जाने लगता है। अब चूँकि स्कूल का टाइमिंग हो गया होता है, मार्गी को कहाँ जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, और जो मैकेनिकल टीचर थे उनसे पढ़ना होता है, लेकिन स्कूल में जाके मार्गी के दिमाग में एक ही बात चल रहा होता है, ओल्ड स्कूल। चूँकि ये क्लियर हो जाता है कि ओल्ड स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत मजे करते हैं, दे यूज टू लाफ एंड साउट इन द स्कूल यार्ड, दिन के ख़त्म होने तक एक साथ बैठा करते थे, एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, होमवर्क जो मिलता था, जो होमवर्क के बारे में जो भी बातें थी टीचर पढ़ाया करते थे, एक दूसरे का हेल्प लेके वो लोग होमवर्क कर लिया करते थे, कितना मस्ती था। और वो इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करी है कि जो टीचर थे वो ह्यूमन बींग्स थे, क्लास में अपने बैठी हुई है, हाँ, और जो अपना होमवर्क था वो जो स्लॉट रहता है, जो होमवर्क करती थी वो ना उसको स्लॉट में डालना पड़ता था, जो रोबोट होता था उसमें एक एरिया होता था जहाँ पे वो, जैसे मान लीजिए पेनड्राइव हुआ, पेनड्राइव को जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करके वैसे इंस्टॉल किया करती थी स्लॉट में। और उस दिन भी यही की, स्लॉट में इंस्टॉल किया और बैठ के चीज़ों को सोचने लगी एंड फाइनली
द स्टोरी गेट्स ओवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज़.